हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास सेवन्थ का मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, द फ्रिज। और आज उसी का ही हम इसमें एक जो सेकंड पार्ट है वो बेटा क्या द सेंटेंस है, आज हम इसको देखेंगे। सो विदाउट टेकिंग अ टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि ये द सेंटेंस होता क्या है। ओके, तो बताओ बेटा सेंटेंस क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है ये बेटा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो मैंने यहां क्या लिखा बेटा कि जो आपका सेंटेंस होता है ना, वो एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और दूसरा इसका एक क्या होता है, कंप्लीट अर्थ होता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने लिखा द अर्थ revolves round the sun। मैंने क्या लिखा बेटा? The earth revolves round the sun। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें the earth बेटा क्या है? सब्जेक्ट है, और revolves क्या है इसमें? मेन वर्ब है, और अराउंड द सन जो है ना, ये फ्रेज है। ओके, और ये एडवर्बियल फ्रेज है बेटा। हाँ, जैसा कि मैंने फ्रेज में आपको इसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देखेंगे, उसके बाद इस वाले टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ। सो यहाँ जो ये लिखा ना, ये क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। और इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल निकल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। आई होप ये बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सेंटेंस। सो नाउ लुक हियर, फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस मीन्स व्हेनेवर यू राइट any sentences there must be some features। okay, so I am going to write, so feature number one, first letter should be capital, everyone know about it कि पहला letter बेटा आपका क्या होगा? capital होगा। Now second, subject and predicate must be, means whenever you write any sentences, there must be two parts of a sentence. One is subject and second one is predicate. Okay? कोई भी अगर आप sentence बनाओगे तो उसमें दो चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक subject और एक प्रेडिकेट। थर्ड, कंप्लीट सेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट सेंस, किसी भी सेंटेंस का जो सेंस होता है वो क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। अगर उस कंप्लीट सेंस नहीं है तो हम उसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। फोर्थ पॉइंट बेटा, एट लास्ट फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लामेशन मार्क्स विल बी, मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा, या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या एक्सक्लामेशन मार्क होगा। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इस चीज को इसमें प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, जितने भी मैंने फीचर्स दिए आपको, ये फीचर्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले में या नहीं हो रहे। तो देखो जरा ध्यान से,
फर्स्ट लेटर कैपिटल, बिल्कुल यू कैन सी हियर फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी, और मैंने क्या बोला, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, तो याद रखना दिस इज योर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस से हटाएं तो जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है बेटा वो आपका टोटल क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। याद रखना प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। इसके बाद बात करते हैं थर्ड, कंप्लीट सेंस। तो इसका कंप्लीट सेंस है ही कि जो पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाती है। और लास्ट में आपको क्या चाहिए, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो ये चीज भी यहां फुलफिल हो रहा है। तो आई होप ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बेटा चलते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मीन्स जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो ना तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो याद रखना बेसिकली कोई भी जो सेंटेंस होता है ना वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, पहला क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा बेटा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आप उसको समझना। मैंने लिखा ही प्लेस, वह खेलता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं है, बिल्कुल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, और इसका कंप्लीट अर्थ मिल ही रहा है आपको। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो ना बेटा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मैंने लिखा द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर वेरी ग्रीन। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा बेटा कि इस पेड़ की जो पत्तियां हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या है, ग्रीन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो पूरा एक सेंटेंस है, इसमें अब याद रखना ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ये पूरा सब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये बात समझ में आई कि ये बेटा पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो यहां पे एक बात आपको समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, प्रेडिकेट सिंगल वर्ड हो सकता है और प्रेडिकेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें जो सबसे मेन काम कर रहा है, याद रखना बेटा इसमें जो मेन है ना वो लीव्स है। क्या है, लीव्स, और इसी लीव्स के अनुसार आपने आर लगाया है, ना कि यहाँ पे ट्री है, ट्री नहीं है मेन, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, ये आप बोल सकते हो इसमें दो सब्जेक्ट है, एक एस वन है और एक एस टू है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ बेटा, इस नोट को थोड़ा सा आप रिमाइंड करना, ओके। तो पहले मैं पहला नोट मैं दे रहा हूं आपको, सब्जेक्ट मे बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगल वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। सेम केस फॉर द प्रेडिकेट बेटा, ओके। यही सेम केस किसके लिए अप्लाई होगा, प्रेडिकेट के लिए होगा कि यह सिंगल वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा किसी भी सेंटेंस में हम नॉर्मली स्टार्टिंग में लिखते हैं
लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, वो कहीं भी आ सकता है, मिडिल में आ जाए, लास्ट में आ जाए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट हाँ, थोड़ा सा अर्थ में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। जब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है ना, तो उस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा क्या बनने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, थोड़ा हम उस सेंटेंस को फोर्सफुली बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका मैं एक नोट, जो थर्ड नंबर है, मैं नोट करवा दे रहा हूं। यूजुअली अ सब्जेक्ट कम्स स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल बेटा, मैंने लिखा ही वॉच सिटिंग ऑन द टेबल। तो ये बेटा क्या है, एज यू नो दिस इज योर सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट हो गया। इस सेंटेंस को अगर ही के ऊपर थोड़ा सा आपको प्रेशर बनाना है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखना ध्यान से, मैंने इसको लिखा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ही वॉच सिटिंग। तो अब देखो सब्जेक्ट कहाँ गया बेटा, मिडिल में आ गया। क्या आ गया, मिडिल में आ गया। या फिर जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस और राइट डाउन कर रहा हूं, देखना जरा बेटा, मैंने लिखा रोहित गोस देयर, ये सेंटेंस लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर गोज रोहित। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जो सब्जेक्ट का पोजीशन होता है ना, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा, वो कहीं भी आ सकता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो दोबारा से इस वीडियो को देख लेगा। अब हम एक काम करते हैं, इसके कुछ पोर्शंस को और चेक करते हैं। सो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। वैसे बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, पता है, जल्दी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं बेटा, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में हम देखते हैं सब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, थोड़ा सा ये देखेंगे, अगला पॉइंट है। ओके कि जब आपके सामने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं ना, तो उसमें जो सब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, तो हम मैं यहां लिख रहा हूं द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट kinds of sentences, okay? कि जब आपके सामने अलग अलग टाइप के सेंटेंस आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का पोजिशन क्या होता है, पहला नंबर देखना बेटा। मैंने लिखा this is a nice picture, तो आई होप इसमें सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या है बेटा, हाँ बोलो, दिस क्या है, तो ये मैंने क्या लिखा बेटा, दिस इज अ नाइस पिक्चर। अच्छा, पिक्चर की स्पेलिंग सही लिखना बेटा। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट है। ये बेटा क्या आपका, प्रेडिकेट है। तो ये इस सेंटेंस में तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जैसे मैंने सेकेंड वाला लिखा और मैंने केवल इतना लिखा गो, अब बताओ बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है,
याद रखना है कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस यही होता है गो। तो इसमें याद रखना जो ये सेंटेंस है ना, इसमें यू अप्लाइड है। यू अप्लाइड का मतलब हो गया यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, ओके। मतलब गो का मतलब क्या हो गया, यू गो, ओके। ये एक तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस है। अभी जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें जो यहाँ यू है ना वो हिडन है, क्या है बेटा, यू हिडन है। तो ये भी एक सेंटेंस है, ऐसा मत बोलना कि ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज अ सेंटेंस, ओके। नाउ सी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज। अच्छा, मैंने लिखा व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो ना बेटा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाँ वेरी गुड, सब्जेक्ट आपका क्या है, दिस है, क्या है बेटा, दिस। और ये पूरा जो बचा ना, ये रिमेनिंग पार्ट्स आपके पूरा पता क्या हो गया, दीज आर प्रेडिकेट। अच्छा, इसमें याद रखना ये गो प्रेडिकेट है, क्या है, गो प्रेडिकेट है, ओके। सब्जेक्ट इसमें हिडन है जैसा कि आपको पता ही है। और इसके बाद एक सेंटेंस मैं और आपके सामने लिख रहा हूं, मैं लिखा व्हाट इज दिस, मैंने लिखा व्हाट इज दिस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर पहले ढूंढ लो फिर पता चल जाएगा, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये दिस है, या दिस क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। और ये पूरा क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो सकता, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ पे हिडन होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट्स है ना वो क्या है आपका, काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो ना या पढ़ते हो तो आपके सामने कितने टाइप से आता है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला टाइप याद देखना बेटा, पहला इसमें टाइप होता है असर्टिव, क्या असर्टिव, या इसी को एक नाम और एक नाम से और भी जानते हैं, डेक्लेरेटिव। किस नाम से जानते हैं बेटा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ याद रखना, देख लेना, असर्टिव सेंटेंस, या इसी को एक नाम से और भी जानते हैं, डिक्लेरेटिव। अब आपके मन में एक डाउट होगा ये कौन सा सेंटेंस होता है, सो बहुत बेसिक सा इसका डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो किसी भी चीज के बारे में कुछ बताए, मतलब से समथिंग, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में जब कोई सेंटेंस सिंपल तरीके से बात करता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना, एट लास्ट इसके हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका स्ट्रक्चर मैं यही लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देखते हुए चलेंगे, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले बेटा इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या एडवर्ब आ सकता है, ओके। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और आपको जैसा पता है लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्या लगाएंगे बेटा, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल नाउ सी, मैंने लिखा ही बॉट अ बुक। अब देखो बेटा ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, मेन वर्ब है, और अ बुक क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने लिखा ही इज अ बॉय,
अब देखो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है, तो इधर वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट। और फिर मैंने लिखा ही गो होम, सॉरी ही गोज होम। अब ध्यान से देखना, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, गोज इसमें क्या है, मेन वर्ब है, और होम क्या है बेटा, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, सिंपल किसी भी चीज के बारे में बात करता है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जैसे इसमें हम ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें भी हम ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें भी हम ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, असर्टिव सेंटेंस इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है बेटा। जैसे मैंने लिखा ही हार्डली डज एनी वर्क, तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा बेटा, क्योंकि इसमें हार्डली जो है नेगेटिव टर्म्स है। फिर मैंने लिखा ही डज सम वर्क, तो ये कैसी मीनिंग दे रहा बेटा, पॉजिटिव दे रहा। तो आप बोल सकते हो ऊपर वाला सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, और नीचे वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पर। ओके, नेक्स्ट टाइप बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। मैंने लिखा इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में बेटा। हाँ, इंपैरेटिव सेंटेंस की हम बात करें बेटा, तो इसमें याद रखना गिव ऑर्डर, जब आप किसी को क्या देते हो, ऑर्डर देते हो, या मेक रिक्वेस्ट, जब आप किसी से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, या बेटा ऑफर एडवाइस, जब किसी को आप एडवाइस ऑफर करते हो या सजेशन ऑफर करते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये आप डेली यूज करते हो। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर देखो बेटा, क्योंकि अब आपको बेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में इसमें कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हो या फिर एडवर्ब लिख सकते हो, ये पहला स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर इसका होता है डोंट से, आप लिख सकते हो डोंट प्लस बी वन। ओके, उसके बाद वही सेम केस, यू कैन राइट डाउन ऑब्जेक्ट, आइदर यू कैन राइट डाउन एडवर्ब। आई होप यू गॉट इट। एग्जाम्पल, नाउ सी वन एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग प्लीज, प्लीज गिव मी सम मैंगोस, डोंट सिट ऑन माई टेबल। ओके बेटा, नाउ लुक, इंपैरेटिव सेंटेंस की बात चल रही है बेटा, इसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो देख लो इसमें ये ऑर्डर है, डोंट सिट ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर मत बैठो, ये क्या हो गया एक तरीके से ऑर्डर हो गया। प्लीज गिव मी सम मैंगोस, ये एक तरीके से क्या हो गया बेटा, रिक्वेस्ट हो गया, क्या हो गया, रिक्वेस्ट। ऐसा सेंटेंस आप डेली बोलते हो, आप अपने घर में बोलते हो, आप अपने स्कूल में बोलते हो, इवन अपने टीचर से आप बोलते हो, आप मतलब रेगुलर आप बोलते हो। ओके, सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं।
और इसमें याद रखना जो यू होता है ना वो हिडन होता है, ये यही वाला सेंटेंस है जो मैंने गो बोला था ना, मीन्स इसमें यू अंडरस्टूड होता है, मीन्स यू इसमें अप्लाइड होता है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम यू को लिख देंगे ना बेटा तो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, मतलब सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसमें जो गिव है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिट इसमें ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लीज याद रखना बेटा ये एडवर्ब है, और डू इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट इसमें एडवर्ब है। तो आप स्ट्रक्चर चेक कर लो बेटा, देखो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया इसको, इसको मैंने डोंट से स्टार्ट किया ये वाला जो। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं बेटा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास दो सेंटेंसेस और हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप्स पर। ओके बेटा याद रखना, इसको आप बार बार वीडियोस को देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और नहीं तो आपके घर में लोग हैं ही, आप उनसे भी पूछ सकते हो बेटा। और ये वीडियो बेटा आपको सबको दिखाना है, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आप उसको दिखा सकते हो। ओके, इवन अपने रिलेटिव को भी आप दिखा सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं बेटा, और नेक्स्ट टाइप आपका है इंटरोगेटिव। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, क्या करेंगे बेटा, हाँ क्वेश्चन पूछेंगे, टू आस्क क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पूछेंगे या टू इंटरोगेट। वो पुलिस पूछते हैं ना जो गलत काम करते हैं उनसे, तो ये बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट याद ही रखना। और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी सपोज करो आप वीडियो मेरा देख रहे हो, और आप वीडियो देख के जाओगे तो मम्मा पूछेंगे बेटा कुछ समझ में आया आपके जो सर पढ़ाए, तो एक तरीके से कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब बेटा एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, पहले स्ट्रक्चर चेक करो बेटा, हाँ स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटा, तो अब इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। लुक हियर स्ट्रक्चर, क्या बेटा स्ट्रक्चर। सो वैसे अभी याद रखो बेटा, बेसिकली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक क्लोज एंड होता है और एक ओपन एंड होता है। क्लोज एंड का आंसर हमेशा यस या नो में जाता है, और ओपन एंड का आंसर आपको हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके हाँ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था बेटा, टू आस्क क्वेश्चन टू, अरे सॉरी, इसको इंटरोगेट कर देना बेटा, इंटरोगेट। एक मिनट बेटा मार्कर ले लो जरा। अब देखना ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर इसके बाद वही ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। ओके, और लास्ट में आपको पता ही है फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, ओपन एंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले WH फैमिली इन्वॉल्व करेंगे बेटा। कौन सी फैमिली, WH फैमिली, जैसे आपकी फैमिली होती है ना वैसे एक WH फैमिली भी होती है, और इसमें साफ WH फैमिली में WH वर्ड ही लगा होता है। आगे यही सेम केस बेटा, ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। WH फैमिली में जैसे यहाँ हो सकता है वैन आ जाए, वेयर आ जाए, वाई आ जाए, हुम आ जाए, इसके बाद ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं बेटा, आप देख लेना, आप लोग वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे हो इतना मुझे पता है। अब एग्जांपल देखते बेटा, हाँ मैंने लिखा हैव यू
eaten food. अब बताओ बेटा आंसर क्या दोगे, या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. ओके, इसमें ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बोलेंगे क्लोज एंड. सेकंड, जैसे इसका एग्जांपल हम ले ओपन एंड वाला, तो मैंने लिखा व्हाई डिड यू डू इट. ओके, व्हाई डिड यू डू इट मतलब ये तुमने क्यों किया था. अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसमें याद रखना ये इंटरोगेटिव वही है, डब्ल्यू एच फैमिली है, इसको हम बोल सकते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब. दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है दो टाइप का होता है, क्लोज एंड होता है, एक ओपन एंड होता है. क्लोज एंड का आंसर हमेशा यस या नो में जाता है. डेली आप अपने फैमिली से किसी ना किसी से आप बोलते होगे. ओपन एंड में हमेशा आंसर एक्सप्लेन करना पड़ता है. क्लोज एंड का स्ट्रक्चर ये वाला है आपका, और ओपन एंड का आंसर सॉरी स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है. मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल आपको दे दिया. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अगर आ गई होगी तो फिर एक बार बता भी देना बेटा. हाँ, इसके बाद अगला टाइप देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी. नाम से समझ में आ रहा है कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ना बेटा, वो बेसिकली सडन फीलिंग को शो करने के लिए आएगा. मतलब टू शो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, रिग्रेट, सैडनेस ईटीसी. मीन्स जब आपके अंदर से कोई सडन फीलिंग जनरेट हो जाए, अचानक, प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए बेटा, प्री प्लान्ड नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो सेंटेंस आप बोलते हो एट अ टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और वो फीलिंग हो सकता है बहुत खुशी का हो सकता है बहुत ज़्यादा सैडनेस का हो, या हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वो रिग्रेट टाइप का हो. तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे आप बोलते हुर्रा वी ऑन द मैच, ये वही सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी. अलास ही इज डेड, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. वाओ दिस इज अ नाइस सीनरी, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, दिस इज नाइस सीनरी, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. अब एक काम करते, एग्जांपल देखते बेटा इसका, पहले स्ट्रक्चर देख लेते फिर एग्जांपल. इसका जो दो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है बेटा वो देखते हैं. एक तो है व्हाट वाला, सबसे पहले क्या आएगा, व्हाट, उसके बाद आर्टिकल आ जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा. ओके, इसके बाद बेटा सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए. और एक आता है बेटा हाउ वाला, हाउ और इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इसके बाद आर्टिकल आएगा बेटा, याद रखना दोनों में अंतर है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव आर्टिकल के बाद आ रहा है, इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव आर्टिकल के पहले आ जाएगा. तो हाउ एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल और प्लस सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन ही आएगा, प्रोनाउन भी हो सकता है, इसके बाद वर्ब, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. एग्जाम्पल, व्हाट अ नाइस पेंटिंग दिस इज, कितनी अच्छी पेंटिंग है. सपोज करो आप कहीं गए थे एग्जीबिशन में, और आपके सामने कोई बहुत अच्छी पेंटिंग दिखी, तो आप सडनली उसको बोलते ना, मम्मा देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है, खरीद लेते हैं इसको.
ओके, तो ये सेंटेंस जो आपने बोला वो कैसा है? हाँ वेरी गुड, सही बात है, अच्छी बात है। अगर सपोज करो इसी को आपको हाउ से लिखना, तो आपको लिखना पड़ेगा हाउ नाइस अ पेंटिंग दिस इज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो क्या शो करता है, यही जो आपके सामने लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर। ये दो बेसिक याद करना है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होते हैं, और भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वो देख लो आप। अगर तो इसमें कुछ क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे वाव है या अलास है या फाय है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है बेटा। तो इनको हम क्या करते हैं, सेंटेंस के पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा देते हैं, समझ गए? क्या लगा देते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, और इसके बाद हम वही वर्ब आगे जो भी है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे आप मैच खेल रहे थे और अचानक आप मैच जीत गए, तो आप कैसे बोलोगे? हुर्रा, या हुर्रे भी इसको बोलते हैं बेटा। वी ओन द मैच। सो यहां पे कैसी फीलिंग आई बेटा? अचानक। और यहां पे आप अचानक क्या हो गए? खुश हो गए। क्या हो गए? खुश। या आप बोल सकते हैं अलास ही इज डेड। सो आई होप ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई भी इसमें डाउट होगा तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखना। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार देखोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आएगी, और आपको हर सेंटेंस का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और प्रॉपर आपका एक नोट्स बनना चाहिए। इसके बाद हम द सेंटेंस का जो एक्सरसाइज पोर्शन है ना उसको सॉल्व करवाएंगे। सो अब इसी के साथ मैं क्लास को रिज्यूम करता हूँ, और मे गॉड ब्लेस यू।